तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम आ चुके हैं शिल्पी राज जी के घर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुरी के एक सुपरस्टार सिंगर हैं और देवरिया जिले के वो करही पांडे गांव से बिलोंग करती हैं और ये उनके चाचा जी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, स्वागत है लोग फिर से मेरे न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। गाइस आज का ब्लॉग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कमाल धमाल होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम जाने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल थंबनेल में देखा होगा, बिहार देवरिया जिला में करही पांडे गांव में शिल्पी राज का घर है और शिल्पी राज के घर दिखाएंगे, शिल्पी राज से मिलवाएंगे आपको। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहाँ से काफ़ी दूर है, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हमको जाना है, बाइक ड्राइव करके जाना है। मैं हूँ, मेरे साथ में शिवा पटेल है, दोनों लोग जाएंगे और ठंड का मौसम है, 12 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ से चलेंगे कुशीनगर। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, फिर कुशीनगर से जाएंगे देवरिया जो कि 35 किलोमीटर दूर है और उसके बाद उसके आगे जो कि 45 किलोमीटर दूर है करही पांडे, जिस गाँव में शिल्पी राज का घर है। तुम घर दिखाएंगे और शिल्पी राज से मिलवाएंगे अगर वो घर पर होंगी तो, शायद हो या ना हो, मैं मतलब चल रहे हैं यही सोच करके होंगी, अब शायद हो या ना हो वो तो वहाँ पे चल के पता चलेगा। वीडियो का लास्ट तक बन रहेगा और वीडियो को अभी कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। चलिए डायरेक्ट आपको चल के मिलते हैं शिल्पी राज के घर, उनके गांव में, क्योंकि अभी रास्ते में शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि समय हो गया 12 और बहुत कम समय है, काफ़ी दूर जाना है, तो रास्ते का ब्लॉग में शूट, क्योंकि मैं ही ड्राइव करूँगा तो ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए वहाँ पर डायरेक्ट चल के मिलते हैं तब तक। ये जो कि शिल्पी राज जी का गाँव है जो कि मतलब बहुत ही दूर है शहर से, बहुत ही साइड में, शहर इससे काफ़ी दूर है, रेलवे स्टेशन जो है कि भटवा रानी रेलवे स्टेशन इस साइड में, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर के करीब है। लेकिन हम लोग इस रास्ते से इसलिए बाइक से आए हैं क्योंकि अगर स्टेशन से हम ट्रेन से आते हैं हम लोग तो 4 किलोमीटर दूर पैदल आना पड़ता। और इसी गाँव के अंदर उनका घर, जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं दिखाने वाले वीडियो में। सो अभी हम घर से चले हैं 12 बजे को और यहाँ पर बज चुका है 4, तकरीबन 3-4 घंटा में लगा रास्ते में आते हुए। पहली बात तो हम लोग कभी देखे नहीं थे और पूछते आ रहे थे हम लोग, इसलिए लेट हो गए। चलिए यही गाँव में चलते हैं अंदर, आपको घर दिखाते हैं शिल्पी राज का। यही चलिए। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम आ चुके हैं शिल्पी राज जी के घर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुरी के एक सुपरस्टार सिंगर हैं और देवरिया जिले के वो करही पांडे गाँव से बिलोंग करती हैं और ये उनके चाचा जी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं, उनके घर है काफ़ी। तो जैसा कि देख रहे हैं गाइस, ये उनका घर है शिल्पी राज जी का, इधर घुमा के दिखा रहे कैमरे से। और यहाँ पर उनके जो कि बहन और इनकी माता जी हैं, आइए दिखाते कर लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिल्पी राज जी का घर है, ये उन्हीं का मतलब हमारी बनाया ना घर, एक मंजिल तो विनय कुमार बनाया था। अच्छा, पहले से मजदूर के भाई बनवाए थे, ऊपर वो दूसरी मंजिल बनवाई है। तो भाई जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये शिल्पी राज जी का जो 2 फ्लोर का एक बड़ा सा मकान है और ये उनके चाचा जी हैं जो कि बहुत अच्छे इंसान है, लोग मम्मी की तबीयत उनकी ख़राब इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। और हमारे साथ में शिवा हैं जो कि आए थे, दो लोग बहुत काफ़ी दूर से, हम लोग 80 किलोमीटर दूर से बाइक चला कर आए हैं और काफ़ी मतलब दूर है यहाँ पर, अगर गाड़ी नहीं बाइक नहीं हो तो कोई आ भी नहीं पाएगा क्योंकि रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर है, यहाँ से 3 किलोमीटर, और रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर हम लोग दूर पैदल आना पड़ेगा। तो उनके पिताजी का फ़ोटो है, पिताजी दिखा सकते हैं थोड़ा, दिखा लो। सो गाइस चलिए अंदर चल के उनके पिताजी का फ़ोटो दिखाते हैं। ये उनके पिताजी हैं जिनका जो कि निधन हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा घर है। वो मीन पहले फर्स्ट टाइम आऊँ, लेकिन वीडियो में मैंने घर भी देखा है और इनके घर के लोग को सभी को देखा है। सो ये बताना चाहूँगा कि फिर अच्छा जी, मतलब यहाँ पर हम आएंगे तो उसको कोई एड्रेस वेड यहाँ पर अपन अपना नंबर दे तो आती तो बताते, तो हम लोग आते हैं काफ़ी दूर से, हम लोग आते हैं जैसे मानिए अंजादे आए हैं हम लोग पतंजलि इतना दूर से आए हैं, फिर इसके बाद से फिर कब आएंगी आप बता देते, थोड़ा अपना नंबर देते तो हमें। ठीक है, नंबर ले लीजिएगा। जैसा कि आपने देखा, ये था शिल्पी राज का घर जो कि मतलब आया था मैं काफ़ी दूर से, अपने गांव से 80 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर आया था मैं शिल्पी राज से मिलने के लिए। शिल्पी राज के घर दिखाना मतलब घर दिखा दिया, क्या करूँ, शिल्पी राज घर पे है नहीं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो जो कि एक और शिल्पी राज जी के घर पर ही शूट किया हूँ, उनके चाचा से, उनके मम्मी से और कुछ 3 बहन हैं उनसे मिलवाया हूँ, तो वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए बाय।